फिल्म की शुरुआत में हम एक सड़क देखते हैं जहाँ पर एक कार चल रही होती है और उस कार के अंदर एक भाई बहन होते हैं जिनका नाम ट्रिश और डैरी होता है। ये लोग छुट्टियों के दौरान अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे से एक ट्रक आकर उन्हें परेशान करने लगता है। ये लोग इससे काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं और उसे साइड दे देते हैं। फिर वो ट्रक साइड से चला जाता है। फिर ट्रिश को एक पुरानी घटना याद आती है। आज से 23 साल पहले एक कपल इसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन अचानक वो कहीं गायब हो गया और उसकी अब तक किसी को खबर नहीं चली। फिर डैरी उससे कहता है कि ये लोगों की बनाई हुई एक अफवाह है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे उन्हें एक पुराना चर्च दिखाई देता है जहाँ पर वही ट्रक होता है जो उन्हें परेशान कर रहा था। और उस ट्रक के पास एक आदमी होता है जो उस ट्रक से कुछ निकाल कर एक पाइप के अंदर डाल रहा था। उस आदमी ने काफ़ी अजीब से कपड़े पहने हुए थे और वह आदमी ट्रिश और डैरी को देख लेता है और काफ़ी देर उन्हें घूरता है। ट्रिश और डैरी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो आदमी जो उस पाइप में डाल रहा था वो कफन में लिपटी हुई लाश की तरह था। ट्रिश और डैरी इसके बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो ट्रक वापस आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। फिर ट्रिश मदद के लिए फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन फ़ोन की बैटरी डेड होती है। फिर वो ट्रक उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। ये लोग इस घटना से पूरी तरह से डर जाते हैं। फिर डैरी ट्रिश से कहता है कि हमें उस चर्च के पास वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर मसला क्या है, लेकिन ट्रिश उसे मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन डैरी किसी तरह उसे मना लेता है। और वो लोग उस चर्च के पास जाते हैं जहाँ उन्हें वो पाइप दिखाई देता है। फिर वो लोग उस पाइप के अंदर झांक कर देखते हैं। फिर डैरी उस पाइप के अंदर जाने लगता है, लेकिन ट्रिश उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैरी उसकी बात नहीं मानता और ट्रिश को उसके पैर पकड़ने के लिए कहता है और पाइप के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन अंदर उसे कुछ चूहे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है और छटपटाने लगता है, जिस वजह से ट्रिश के हाथों उसके पैर छूट जाते हैं और डैरी पाइप के अंदर फिसल जाता है और सीधे अंदर जा गिरता है। फिर अंदर उसे कुछ कपड़े में लपेटा हुआ दिखाई देता है। फिर डैरी उसके करीब जाकर देखता है, लेकिन उसके अंदर एक लड़का होता है जो दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि उसका पेट काट कर वापस सिया गया था। वो लड़का थोड़ी देर तड़पता है, फिर अपना दम तोड़ देता है। डैरी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो ट्रिश को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो उसे जाकर मदद लाने के लिए कहता है। फिर ट्रिश उसकी बात मानकर सड़क पर मदद लाने के लिए जाती है। फिर डैरी अपने शू की लेस टाइट कर रहा होता है, तभी उसके शूज़ पर एक पानी की बूंद गिरती है। फिर वो ऊपर देखता है तो ऊपर उसे छत पर बहुत सारी लाशें चिपकी हुई दिखाई देती हैं। फिर उसे वहाँ वो कपल की लाश भी दिखाई देती है जो आज से 23 साल पहले गायब हो गया था। जिस किसी ने भी इन्हें मारा था उसने उनकी लाशों को एक दूसरे के साथ सी दिया था। और उसे वहाँ कुछ केमिकल की शीशियाँ भी दिखाई देती हैं। जो कोई भी इन लोगों को मार रहा है वो उनकी लाशों पर यही केमिकल लगाता है ताकि वो लाशें सड़ ना पाएँ। अब हम ट्रिश को देखते हैं जो कि सड़क पर मदद का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो ट्रक वहाँ वापस आ चुका है। इसीलिए वो फौरन जाकर अपनी कार में बढ़ जाती है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो देखती है कि वो ट्रक उसके करीब आ रहा है, लेकिन ये कोई और ट्रक होता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ट्रिश रिलैक्स हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैरी भी आ जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर डैरी कार में ट्रिश को सब कुछ बता देता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकते हैं और वहाँ से वो देखते हैं कि वो ट्रक चर्च के पास वापस जा रहा है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर ट्रिश रेस्टोरेंट के ऑनर को पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहती है। फिर ट्रिश डैरी से कहती है कि तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए। फिर तभी वहाँ का फ़ोन बजता है और वो लोग फ़ोन उठाते हैं, लेकिन फ़ोन पर एक अनजान औरत होती है और वो उन लोगों से कहती है कि जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक बहुत ही ख़तरनाक दरिंदा है जो लोगों को उनकी गंध से पहचानता है, और जहाँ पर तुमने वो लाशें देखी उस जगह का नाम हाउस ऑफ पेन है। तुम चाहे उसे लात मारने की कोशिश करो लेकिन वो नहीं मरेगा, और अब वो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और उस दरिंदे के पास उसका ट्रक भी है, और आगे तुम लोगों को कुछ बिल्लियाँ दिखाई देंगी, ये सब मैंने सपने में देखा है। फिर औरत फ़ोन पर उन्हें गाना सुनाती है और कहती है कि जब भी तुम लोगों को ये गाना सुनाई दे तो फौरन वहाँ से भाग जाना, क्योंकि ये गाना तुम्हारी मौत का संकेत हो सकता है।
एक बहुत ही ख़तरनाक मौत का संकेत। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि हमारे कुछ ऑफिसर्स उस चर्च के पास गए हैं छानबीन करने के लिए। फिर डैरी उनसे कहता है कि मैंने उस चर्च के पास बहुत सारी लाशों को देखा और उस कपल की लाश को भी देखा जो आज से 23 साल पहले गायब हो गया था। लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि जो कपल आज से 23 साल पहले गायब हो गया था उसकी तो अब सिर्फ हड्डियाँ ही मिल सकती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो रेस्टोरेंट की ऑनर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी कार के पास कोई खड़ा है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाकर देखते हैं और वहाँ वो लोग देखते हैं कि उनकी कार से सारे कपड़े किसी ने निकाल कर बाहर फेंक दिए हैं। फिर वो रेस्टोरेंट की ऑनर उनसे कहती है कि कोई आदमी तुम्हारी कार के पास खड़ा था और वो तुम्हारी कार में से कपड़े निकाल कर उनकी गन सूंघ रहा था। फिर पुलिस को भी उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। फिर पुलिस ट्रिश और डैरी को लेकर चर्च पर पहुंचने के लिए निकलती है। फिर रास्ते में ट्रिश गाड़ी का टेप रिकॉर्डर ऑन करती है जिसमें वही गाना बजता है जिसे वो औरत ने डैरी को सुनने के लिए मना किया था। फिर पुलिस को एक ऑफिसर का फ़ोन आता है जिसमें वो ऑफिसर कहता है कि चर्च में किसी ने आग लगा दी है। फिर तभी पुलिस को अपनी गाड़ी की छत पर से कुछ आवाज़ आती है। फिर एक ऑफिसर देखने के लिए ऊपर चढ़ती है लेकिन ऊपर वही दरिंदा होता है और वो उस ऑफिसर को ऊपर खींच लेता है। फिर वो दूसरे ऑफिसर को भी गाड़ी की छत फाड़कर बाहर निकालता है और उसका भी सर काट देता है। फिर वो सर जाकर सीधे ट्रिश और डायरी की कार पर गिरता है जिसे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह कार को रोक लेते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वो दरिंदा उस ऑफिसर के सर को उठाकर उसकी गन सूंघने लगता है और अपने दांतों से उसी जीप काट कर बाहर निकाल लेता है। ट्रिश और डायरी ये सब देख कर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी कार स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दरिंदा उन ऑफिसर्स की लाशों को अपने ट्रक में डालकर बंद कर देता है। फिर हम ट्रिश और डायरी को देखते हैं जो कि एक घर के सामने आकर रुकते हैं जहाँ उन्हें एक स्केयरक्रो भी दिखाई देता है। फिर वो लोग उस घर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। फिर ट्रिश उसे कहती है कि हमें पुलिस को फ़ोन करना है। फिर वो औरत घर की लाइट्स ऑन करती है और हमें घर में बहुत सारी बिल्लियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें देख कर डायरी ट्रिश से कहता है कि मुझे उस औरत ने भी फ़ोन पर बिल्लियों के बारे में बताया था। फिर अचानक घर की लाइट्स चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो स्केयरक्रो होता है वो भी काफ़ी अजीब दिखाई देने लगता है जिसे देखकर ट्रिश और डैरी डर जाते हैं। फिर वो औरत अपनी गन लेकर घर से बाहर निकलती है लेकिन वो कोई स्केयरक्रो नहीं बल्कि वही दरिंदा होता है। फिर वो औरत उसे शूट करती है लेकिन वो दरिंदा उड़ता हुआ जाकर उस औरत के घर में घुस जाता है। फिर वो उसे मारने के लिए अपने घर में जाती है। फिर घर में वो औरत गोलियाँ चलाती है लेकिन उल्टा वो दरिंदा ही उस औरत को मार डालता है। फिर हम उस दरिंदे का चेहरा देखते हैं जो कि काफ़ी डरावना होता है। ट्रिश और डैरी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फौरन जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो दरिंदा आकर कार की बोनट पर बैठ जाता है। फिर ट्रिश कार को रिवर्स लेती है और उस दरिंदे को टक्कर मारने की कोशिश करती है लेकिन वो दरिंदा छलांग मारकर बच जाता है। फिर ट्रिश उसे रिवर्स में टक्कर मारने की कोशिश करती है लेकिन वो दरिंदा फिर से छलांग मारकर बच जाता है। लेकिन तीसरी बार ट्रिश उसे टक्कर मार देती है और उसे अपनी गाड़ी के नीचे कई बार कुचलती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस दरिंदे के पंख बाहर निकल आते हैं और छटपटाने लगते हैं। लेकिन वो लोग फिर से उसे अपनी गाड़ी के नीचे एक बार कुचल के वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग एक पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ ट्रिश अपनी मॉम से बात करती है और उनसे कहती है कि वो लोग जल्दी घर वापस आ जाएंगे। फिर तभी वहाँ पर एक औरत आती है। ये वही औरत होती है जिसने रेस्टोरेंट में डैरी को फ़ोन किया था और उस दरिंदे के बारे में बताया था और इसका नाम जेजल होता है। और वो ट्रिश और डैरी से कहती है कि जो तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक बहुत ही ख़तरनाक दरिंदा है जो 23 सालों में एक बार 23 दिनों के लिए जागता है और 23 दिनों तक इंसानों को मारकर उन्हें खाता है। और तुम क्या समझते हो, क्या तुम लोगों ने उसे मार दिया? तुम कुछ भी कर लो उसे मार नहीं सकते। वो इंसानों को उनकी गन से पहचानता है और अब वो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। जजल इन लोगों को ये सब बता ही रही होती है तभी वो दरिंदा अपने ट्रक लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है। क्योंकि ये ज़ख्मी होता है इसीलिए लड़खड़ाते हुए पीछे के दरवाजे से पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है। फिर अचानक पुलिस स्टेशन की लाइट्स चली जाती हैं और वहाँ का टेलीफोन भी काम करना बंद कर देता है। ये सब देखकर ट्रिश और डैरी बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर वो दरिंदा सेल्स के अंदर घुसकर एक कैदी को ज़िंदा खा जाता है। फिर पुलिस को खबर मिलती है कि वो दरिंदा पुलिस स्टेशन में आ चुका है इसीलिए सब लोग उसे मारने के लिए तैनात होते हैं। फिर एक ऑफिसर उसे देखने के लिए सामने जाता है लेकिन वो दरिंदा उसे मार डालता है। फिर सब लोग उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन वो दरिंदा बच के वहाँ से भाग जाता है।
फिर हम ट्रिश और डायरी को देखते हैं जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के दरवाजे लॉक्ड होते हैं। तब तक वो दरिंदा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ट्रिश और डायरी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो दरिंदा जजल को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसकी गन सूंघकर उसे छोड़ देता है। और यहाँ ट्रिश और डायरी एक कमरे में छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो दरिंदा उस कमरे में आ जाता है और वो उन दोनों का गला पकड़ लेता है। फिर वो ट्रिश की गन सूंघने लगता है, बाद में वो डायरी की गन सूंघने लगता है, लेकिन उसे डायरी की गन पसंद आती है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है, जिसे देखकर वो दरिंदा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर ट्रिश उसे कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, चाहे तो मुझे लेकर चले जाओ, लेकिन वो दरिंदा उसकी बात नहीं मानता। फिर उसके पंख बाहर निकल आते हैं और वो डायरी को लेकर हवा में उड़ जाता है। उसके बाद ट्रिश उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो हवा में काफ़ी ऊपर होता है। थोड़ी देर बाद वो कहीं गायब हो जाता है। अपने भाई को दूर होता देख ट्रिश काफ़ी दुखी हो जाती है। फिर हम एक बंद हो चुकी पुरानी फैक्ट्री को देखते हैं, जिसके अंदर वो दरिंदा भी होता है और वहीं पर डायरी की लाश भी होती है, जिसे वो दरिंदा मारकर उसकी आँखें बाहर निकाल लेता है। और ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।